दोस्तों, कोरोना वायरस के ऊपर बना पिछले एक वीडियो में कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने में मजबूर कर दिया है। जैसे कि राजेन हजारिका कहते हैं कि हमें निर्दोष जानवरों और पक्षियों को मार के उनको खाना बंद करना चाहिए, और ऐसे निर्दोष प्राणियों का ही ये श्राप है जो कोरोना वायरस के रूप में आया है। उसके बाद एसके जैन ने लिखा है कि जिस तरह से एनिमल्स बर्ड्स पर इंसान जुल्म कर रहा है उसको नेचर भी देख रही है, और ये उसी नेचर की सच्चाई है जो आज आदमी को उन्हीं एनिमल्स बर्ड्स से मरने पर मजबूर कर रही है। अब भी सुधर जाए हम इंसान तो शायद अच्छा रहेगा। नीलम एम लिखती है, खुद तो मरेंगे चीनी लोग और दुनिया को भी लेके डूबेंगे। खाना क्यों नहीं खाते ये लोग? कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, कोई जानवर नहीं छोड़ा। अब कोई बैट खाएगा तो यही होगा ना, उनको बोलो खाना खाए, जानवर नहीं। एनसी कलेक्शन लिखते हैं कि चाइना के साथ तो होना ही चाहिए, वैसे ही कौन सा जीव बाकी रखा है, सब तो खाते हैं और कुछ तो जिंदा ही खाते हैं, उसी का परिणाम है। और अंकित कौशल लिखते हैं कि इन जानवरों का श्राप लग गया है चाइना को। दोस्तों, बात तो सही है, आपका क्या कहना है? इंसान सच में निर्दोष जानवर और पक्षियों पे सदियों से जुल्म करते आ रहे हैं। नॉन वेज के नाम पे पूरी दुनिया में रोज 20 करोड़ प्राणियों को मारा जाता है। ये तो रहा जमीन में रहने वाले जानवरों और पक्षियों का हिसाब, पानी में रहने वाले प्राणियों को भी शामिल करें तो दुनिया भर में हर रोज 300 करोड़ प्राणियों को मारा जाता है। बेचारी मुर्गियों का बात करें तो हर साल दुनिया भर में 6500 करोड़ मुर्गियों को पैदा किया जाता है, और एक महीने में खाने लायक होने पर लोग उन्हें खा जाते हैं। उनका कोई दोष भी नहीं होता है, फिर भी जी नहीं पाते। बत्तख का बात करें तो 1,10,00,000 बत्तखों को खाते हैं लोग हर दिन। इसके अलावा 40,00,000 पिग, 30,00,000 खरगोश, 12,00,000 बकरी और 8,00,000 गाय यानी काऊ खाते हैं लोग हर दिन। मछली की बात करें तो 2.7 लाख करोड़ मछलियों को पकड़ा और मारा जाता है दुनिया भर में हर साल। इनके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में जैसे चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, मेक्सिको के लोगों ने तो कीड़े मकोड़े को भी नहीं छोड़ा, और ना जाने क्या क्या जानवर खाते होंगे जाने अनजाने। तो जैसे कि आप लोगों ने बोला कि इतने तादाद में मासूम और निर्दोष जानवरों को इंसान हर रोज मार रहे हैं, तो उनका श्राप तो लगना ही था। भले ही बेजुबान जानवर और पक्षी बोल ना पाए, पर जिंदा रहना कौन नहीं चाहता है? ये दुनिया सिर्फ इंसानों का ही नहीं है, यहाँ पर सभी जीवों का बराबर का हक है। शायद कोरोना वायरस भी उन निर्दोष प्राणियों का श्राप का नतीजा है, और अब जाके कोरोना वायरस से बचे रहने के लिए ज़्यादातर लोगों ने नॉन वेज खाना छोड़ दिया है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह के वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, जैसे कि अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ दिख रहे हैं। कृपया इनको देखें या फिर हमारे चैनल में जाएं, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोडेड है। धन्यवाद।